स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम सर्टेन हाइट। सो लेट अस कंसीडर अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट इक्वल टू h व्हेन ड्रॉप Body is dropped from here. Let us understand how we can represent graphically the motion of the body. Suppose this person drop a ball downward and we know that initial velocity must be zero in dropping. Initial velocity of the body is zero. So u is equal to zero. So first of all, we will discuss the first graph is between displacement time graph. Displacement time graph. How we can write this? Because initial velocity zero, we know that displacement of a body is written as S is equal to ut plus half ut square, here 0t plus half gt square. It means displacement is proportional to t square. It is very similar equation as we write in x and y. Y proportional to x square, and the graph of y proportional to x square is, so let us see, the graph is this. This is displacement time graph. Because displacement, when we drop the body, changes like this, it means velocity of the body increases. That's why the slope at each point, har point pe agar aap slope dekhenge, वो इंक्रीज कर रही है, यानी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। जब आप बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो वेलोसिटी इंक्रीज होती है उसकी, इसका मतलब स्लोप उसकी इंक्रीज होनी चाहिए। तो ये ग्राफ आ गया हमारा पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का। दूसरा ग्राफ हमारा जो है वो ये है, वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये होता है कि अगर आप देखें तो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसके लिए वी विल राइट v इज इक्वल टू u प्लस gt। g पॉजिटिव होगी क्योंकि ड्रॉपिंग हो रही है बॉडी की, यहां से ड्रॉप करी जा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने वाली है, तो v प्रोपोर्शनल टू t आ गया। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया, इट इज वेरी इजी। y प्रोपोर्शनल टू x, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है आप देखेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है ये होता है ड्रॉपिंग में। अभी हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन टाइम की बात। ये थर्ड हमारा ग्राफ होगा एक्सेलरेशन टाइम। अगर आप एक्सेलरेशन टाइम की बात करें तो एक्सेलरेशन बॉडी का ड्रॉपिंग में जो है वो हमेशा आपको पता है कॉन्स्टेंट होता है, और दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और पॉजिटिव होता है। इसलिए हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, बिकॉज इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के वेरी करने से ये नहीं चेंज होगा, टाइम के साथ ये कॉन्स्टेंट ही रहेगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ तक जो है वो ग्रेविटी की, एक्सेलरेशन ड्यू ग्रेविटी की कॉन्स्टेंट है। स्टूडेंट्स, ये ग्राफ जो मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर आप स्लोप देखें तो वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बिकॉज एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? वेलोसिटी ओवर टाइम। तो स्लोप इसकी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। बिल्कुल, ड्रॉपिंग में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, जिसको हम जी बोलते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। सो ये जो ग्राफ मैंने बनाए हैं, ये मैंने ड्रॉपिंग के लिए बनाए हैं, ड्रॉप्ड। अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे
कि अगर बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो उसमें मैं चार ग्राफ बनाने वाला हूँ, पोजीशन टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम कह लीजिए, दूसरा होगा स्पीड टाइम, तीसरा होगा वेलोसिटी टाइम और फोर्थ होगा हमारा ग्राफ जो है एक्सेलरेशन टाइम। ओके स्टूडेंट।